हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबको मेरा नमस्कार। अभी तक दिल्ली में टोटल 97 केसेस हुए हैं। इन 97 केसेस में 5 ठीक होके घर चले गए, 2 लोगों की डेथ हो गई थी, इनमें से एक व्यक्ति बीच में ही सिंगापुर चले गए थे। 89 केसेस बचे हुए हैं। इन 89 केसेस में एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं, भगवान करे वो भी ठीक हो जाए। 2 लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं, और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ कर मांग रहा हूँ जो कि वेंटिलेटर पे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाए। इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब केसेस थोड़े से पिछले 2-3 दिन में तेज़ी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेज़ी से कोरोना फैल तो नहीं रहा। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। मरकज की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूंगा। 41 केसेस फॉरेन ट्रैवल वाले हैं, जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने 2 महीने में उनको भारत लाया गया, वो केसेस हैं। 41 वो केसेस हैं। 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ, 22 केस ऐसे हैं। और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फिलहाल कंट्रोल में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है। केसेस बढ़े हैं और मरकज़ का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी, उसकी वजह से मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। मरकज़ में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहां से निकाला जा रहा है। वहां पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें, जैसा मैंने बताया अभी, जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज़ से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है, उनके सबके टेस्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया, इनमें सिम्टम्स नहीं थे, इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे। अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है, स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है, इटली में हजारों लोगों की मौत हो रही है, चाइना में हजारों लोगों की मौत हुई है, कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया, इस वक्त नवरात्र के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया,
ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी हरकत मत कीजिए। चाहे किसी की धर्म क्यों, सभी इंसान हैं और हर इंसान की जिंदगी प्यारी है। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे, तेलंगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जो जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं, कुछ दुकानों में राशन खत्म हो गया है, वहां पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, चिंता मत करो, राशन हम रोज केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं। तो आपका राशन आएगा, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा, जिस जिसके पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से, उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो आप वहां पे अगर आज मान लीजिए राशन बंद हो गया, खत्म हो गया, तो चिंता मत करना, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले 3-4 दिन में सबको राशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी राशन का इंतजाम कर रहे हैं, वो भी सारी कार्रवाई। रोज मैं मीटिंग ले रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है इसका कि कहां से राशन उठाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा हम कर रहे हैं, उनको भी राशन देंगे। तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं है, आप सब लोग जो गरीब हैं और खाने को नहीं है, आपके लिए हमने जगह जगह किचन लगाई है, खाने का इंतजाम किया है। अभी लगभग 800 जगहों के ऊपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है। कल से 2,500 स्कूलों में और लगभग 250 नाइट शेल्टर्स में, 3,500 सेंटर्स के ऊपर खाना बंटना चालू होगा, और एक एक सेंटर में लगभग 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम होगा। तो आज तक हम लोग 3.5 से 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली, कल से हमारे पास 10 से 12 लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे। मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे, लेकिन इस पे हमने काफ़ी सोच विचार किया। अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड़ उमड़ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा इसको बहुत ज़्यादा सेंटर बना देते हैं। तो लगभग 3,500 सेंटर्स में कल से खाना मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वहां पे सेंटर्स के ऊपर लोगों की भीड़ नहीं होगी, हम 10 से 12 लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे, लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आए। पिछले कुछ दिनों में कई सारे उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोगों के फोन आए, उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपनी अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की। जो जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो CM रिलीफ फंड में डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप सीधे हमें PPE बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे अपने डॉक्टर्स की सेहत की चिंता है, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा PPE सरकार भी खरीद रही है, लेकिन अगर आप भी कहीं से अगर खरीद के सीधे PPE दे सकते हैं, या वेंटिलेटर दे सकते हैं, या टेस्टिंग किट्स दे सकते हैं, इन 3 चीज़ों की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। हम भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से लेने की, ला रहे हैं, लेकिन अगर आप भी खरीद के दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर सीधे खरीद के दे सकते हैं।
आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।